गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। क्लास 9 से प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन आज एक प्रमेय वृत्त से संबंधित प्रमेय को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है वृत्त से संबंधित। तो इस प्रमेय को एक बार देखते हैं, पढ़ के। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय हुआ कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो किसी चाप द्वारा, देखिए यही चाप है, बी सी चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण बी ओ सी है। एक अर्धवृत्ताकार चाप लेके भी केंद्र पर का कोण बी ओ सी बनता है, और एक दीर्घ चाप लेकर के भी केंद्र पर का कोण बी ओ सी बनता है, जो कि दिखाया गया है। और वृत्त के एकांतर खंड यानी वृत्त के परिधि पर बना कोण एकांतर खंड का कोण कहलाता है। ये कोण और ये कोण दोनों में क्या संबंध है वो आपको इस प्रमेय में साबित करना है। संबंध क्या है कि केंद्र पर का जो कोण बनता है वह परिधि पर के कोण से दुगुना होता है, ठीक है ना। तो हम चलिए आकृति के द्वारा, इस आकृति में जो बात दिया गया है उसको पहले हम एक बार लिखा हुआ दिखाते हैं आप लोगों को। दिया गया है एक वृत्त एबीसी जिसका केंद्र ओ है, तथा बी ओ सी चाप बी सी द्वारा अंतरित केंद्र पर का कोण है। बी ओ सी, बी ओ सी बी सी चाप द्वारा केंद्र पर का कोण अंतरित है, एवं बी ए सी एकांतर खंड के कोण है। ये बी ए सी, बी ए सी आकृति एक ही है, केवल हम इसमें लघु चाप करके दिखाए हैं केंद्र पर का बना कोण परिधि पर का बना कोण। इसमें अर्धवृत्ताकार चाप यहाँ से यहाँ लेकर के केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण को दिखाए हैं, और एक बड़ा चाप दीर्घ चाप लेकर के केंद्र पर का कोण और परिधि पर के कोण को दिखाए हैं, जो कि दोनों कोण में क्या संबंध होता है वो साबित करके हमें दिखाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है। केंद्र पर का कोण यानी कोण बी ओ सी केंद्र पर का कोण हो गया, और परिधि पर का कोण टू कोण बी ए सी होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे दुगुना होता है। इसको बराबर करने के लिए टू यहाँ पर हम क्या किए, टू से टू ए बी टू बी सी टू कोण बी ए सी लिखे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमें सिद्ध यही करना है कि केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, यानी कि कोण बी ओ सी बराबर कोण टू कोण बी ए सी होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। अब है बनावट में क्या किए हैं, आकृति में बनावट कुछ किए हैं तो उसको हम लिख लेंगे। देखिए ए ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाएं, इसमें भी देखिए ए ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, ए ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, वही बात को लिख लेते हैं। ए ओ भुजा को ए ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब हमें साबित करना है, प्रमाण गवाही की जरूरत होती है ना, प्रमाण देना पड़ेगा, कैसे होगा। तो प्रमाण में देखिए, सबसे पहले तो हम त्रिभुज ए ओ बी में लेके चलते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, इस त्रिभुज में ए ओ बी इधर वाला त्रिभुज में देखिए क्या है। इसमें हम लिखेंगे ए ओ भुजा को डी बिंदु तक तो बढ़ाया गया है, वही बात को पहले लिखेंगे। ए ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। जब बढ़ाया गया है
बढ़ाया गया है तो ये कोण क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। और बहिष्कोण क्या होता है? सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, जो कि बताया भी गया आप लोगों को। तो क्या बढ़ाया गया है, इसीलिए बहिष्कोण, बहिष्कोण बढ़ा हुआ कोण, बाह्य कोण, बहिष्कोण बराबर क्या हो जाए, बहिष्कोण कितना होगा, थ्री, कोण थ्री बराबर हो जाएगा क्या चीज, कोण वन जोड़ कोण टू, जो कि समीकरण हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन देखिए कि ए ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त के लिए ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर होता है, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है ना। तो त्रिज्या को ब्रैकेट में लिखते, त्रिज्या के कारण ये बराबर हो गया। अब त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में तो ये वृत्त के लिए तो त्रिज्या हुआ, लेकिन त्रिभुज किस त्रिभुज के लिए, ए ओ बी त्रिभुज के लिए, तो साइड का काम करेगा, भुजा का काम करेगा, तो दो भुजा बराबर होगा, तो बराबर भुजा के तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, अब क्या हो जाएगा, कोण कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा, क्योंकि बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण, यहाँ पर लिख लेना है बराबर, इस ब्रैकेट में लिख लेना बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कर लिए, अब समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक से क्या होगा, कोण थ्री बराबर कोण एक कोण वन जोड़ कोण वन ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोण टू बराबर भी वन होता है, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, बराबर लिख ही देते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक ना, ब्रैकेट से घेर दिया गया, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, तो ये कितना आएगा बन के, आपको हो जाएगा टू कोण वन हो जाएगा, कोण थ्री बराबर टू कोण वन हो गया, जो कि समीकरण नंबर आपका समीकरण नंबर टू हो जाएगा। जिस प्रकार से हम इस त्रिभुज में किए हैं, इसी प्रकार से ये भी तो त्रिभुज है, ए ओ सी त्रिभुज है, तो इसी प्रकार पुनः किस त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ए ओ सी में, अब ए ओ सी में क्या होगा, ए ओ सी में देखिए क्या होगा, ए ओ सी में हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया, बराबर होता है, और बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज के लिए ए ओ सी त्रिभुज के लिए, तो ये समबाहु सम, ये त्रिभुज के लिए ये भुजा ए ओ और ओ सी तो हो जाएगा भुजा, तो दो भुजा बराबर हो जाएगा, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण चार बराबर हम कोण पाँच लिखेंगे, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आपका फिर बहिष्कोण क्या इसमें आ जाएगा, बहिष्कोण इसमें आ जाएगा, देखिए ए ओ भुजा को इसमें भी डी बिंदु तक बढ़ाया गया, तो कोण छः बनेगा बहिष्कोण, और बहिष्कोण सामने के अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता, तो बहिष्कोण आ गया कोण छः बराबर हो गया कोण चार जोड़ कोण पाँच हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते फिर कोण छः बराबर कोण चार जोड़ कोण चार ही लिखेंगे, क्योंकि कोण पाँच बराबर कोण चार होता है, जो कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण से आया है, तो यानी आपका मिल गया कितना, टू कोण फोर, ये आपका
समीकरण नंबर तीसरा हो गया। तीसरा समीकरण नंबर ये हो गया 2.4। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण मेरा ये मिला कोण 3 बराबर 2.1, और तीसरा मिला कोण 6 बराबर 2.4 मिला। यहाँ तक एक बार देखिए गौर से। अब हम केवल हम आकृति को, एक दो आकृति को मिटा लेते हैं, और इसी आकृति में हम के जगह पर शेष भाग को हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे, इसके बाद ऊपर में लिखना है यहाँ से समीकरण, पहले लिखेंगे आकृति, तीन गो आकृति दिया हुआ था, आकृति 1, 2 तथा 3C, तीनों आकृति दिया गया था, एक लघुचाप, एक अर्धवृत्ताकार चाप, एक दीर्घ चाप, ठीक है ना। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर समीकरण 2 कितना है, देखिए समीकरण 2 कोण 3 बराबर 2.1, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 3 जो है कोण 6 बराबर 2.4, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इधर वाले पक्ष को इधर जोड़ लेंगे, कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 2.1 जोड़ 2.4, इधर वाले पक्ष को इधर जोड़ लिया गया, उधर वाले पक्ष को उधर जोड़ लिया गया है। अब देखिए एक बार, कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा कोण 1 जोड़ कोण 4। यहाँ तक स्पष्ट, इसीलिए कोण 3 और 6 मिलकर के, देखिए 3 और 6 मिलकर के केंद्र पर का कोण बन गया BOC, तो लिखेंगे इसीलिए BOC कोण BOC बराबर 2 कोण, और 1 और 4 मिलकर के बन गया BAC जो कि परिधि पर का कोण BAC। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया, ये आपका फाइनल आंसर रहा, यही आपका फाइनल आंसर रहा कि BOC बराबर 2 कोण BAC, यही ये सिद्ध करना था कि केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।